अंबेडकर नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक अजय दत्त जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, अरविंद केजरीवाल जी की आज यहाँ पे रैली थी, क्या कुछ माहौल आपको लग रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कल बाहर आए और आज सीधे यहाँ रैली पे आए। 30,000 लोग, कई किलोमीटर का ये सैलाब था, अरविंद केजरीवाल जी के प्यार का। ये सैलाब था तानाशाही के खिलाफ, ये सैलाब था दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी को कुचलने की साजिश बीजेपी कर रही है उसके खिलाफ। और आप देखिए, ऐसा रोड शो मैंने पहले नहीं दिखा और इतने विशाल, क्या कहूँ, हजारों की संख्या में कई किलोमीटर लोग चलते गए। और ये आगाज़ है कि दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी, 4 आम आदमी पार्टी की, 3 गठबंधन की पूरी जीत रहे हैं। और पूरे देश में अब ये स्टेब्लिश्ड हो चुका है कि बीजेपी तानाशाही करके इस देश को चलाना चाहती है, जो नहीं होगा। ये देश लोकतंत्र से, जमहूरियत से चलता है और वैसे ही चलता रहे। दक्षिणी दिल्ली का ये क्षेत्र भाजपा का गढ़ कहा जाता है, कितना मुश्किल लगता है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी को प्रत्याशी यहाँ जीत? ये गढ़ तो ढह गया अब, ये कोई गड़बड़ नहीं रहा। आप पूरी दक्षिण दिल्ली में देख लीजिए, हर एक आदमी कह रहा है कि सबसे बड़ी गलती बीजेपी ने जो की है वो बेकसूर केजरीवाल जी को जेल में डाल के की है। और दिल्ली की जनता इसलिए बीजेपी से बहुत नाराज है, दिल्ली की जनता को जिसने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल किए, उनके साथ इन्होंने बदला लिया। दिल्ली की जनता, 2 करोड़ जनता ने जो अरविंद केजरीवाल जी को 67 सीटें दी, 62 सीटें दी, उस मुख्यमंत्री को इन्होंने बिना किसी कुजूर के जेल में डाल दिया। जनता बहुत नाराज है और जनता जनार्दन है, इसीलिए जनता ने आके यहाँ प्यार दिखाया और कहा अरविंद केजरीवाल जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और ये जो स्लोगन चला जेल का जवाब वोट से, दिल्ली की हर एक के मुंह पे है और कह रहे हैं कि मोदी और बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी। आखिरी सवाल ये रहेगा कि अभी तक अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रही थी जगह जगह पे जाकर के, और अरविंद केजरीवाल बाहर आ गया है, तो कितना जो मुकाबला लग रहा था वो कितना आसान आपको लगता है कि अब? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब से केजरीवाल जी को उन्होंने जेल में डाला है, हर एक बच्चा, दिल्ली का हर एक नागरिक परेशान था और वो ये कह रहा था कि जो व्यक्ति दिल्ली की जनता के लिए बेटा बन के, भाई बन के काम कर रहा है, बहनों को फ्री बस दे रहा है, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा दे रहा है, बच्चों को, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, उसको आपने जेल में डाल दे तो आप दिल्ली की जनता से बदला ले रहे थे। और इस बार बीजेपी से दिल्ली की जनता बदला लेगी, उन्हें तख्तोताज से उतार कर। ये थे अजय दत्त जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद वो लगातार अब लोगों को संबोधित कर रहे हैं, प्रत्याशियों के साथ जाकर के चुनावी रैलियां कर रहे हैं, और ऐसे में इनका ये भी कहना है कि अब अरविंद केजरीवाल के आने के बाद आम आदमी पार्टी मजबूत होगी और दिल्ली की 7 की 7 सीट अब आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं संदीप सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।